नमस्कार, मैं आदर्श शुक्ला और इस हफ्ते के पॉलिटिकल फटाफट में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले द ऑटरिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस मुलाकात को बीजेपी ने ऐतिहासिक करार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की जनता से कहा, अगर तुम्हें वापस विकास चाहिए तो फिर से बीजेपी को चुनिए। दादरा नगर हवेली, हिमाचल के मंडी में और मध्य प्रदेश के खंडवा में और साथ ही 29 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही। माना जा रहा है कि ये चुनाव में बड़े तनाव की सिचुएशंस बन चुके हैं। राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने जो 2019 के इलेक्शन के टाइम पे मोदी के सरनेम पे जो कमेंट किया था, उसी के केस में उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा। इससे पहले भी वो कोर्ट में पेश हुए थे, जिसके बाद जज ने कहा था कि 29 अक्टूबर को राहुल गांधी को वापस पेश होना पड़ेगा। टेनिस के सुपरस्टार खिलाड़ी लिएंडर पेस और अभिनेत्री नफ्सा अली ने ममता बनर्जी के प्रेजेंस में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। यह जो सभा है वह गोवा में हुई थी, जिसे ममता बनर्जी की उपस्थिति में किया गया। ममता बनर्जी 3 दिन के लिए गोवा यात्रा पे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी शक्ति केंद्र द्वारा आयोजित एक फंक्शन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार 2024 में वापसी करना चाहती है तो उसके लिए 2022 के यूपी इलेक्शन में योगी सरकार का आना जरूरी है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री छन्नी जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने यह खबर सुन के कि अमरिंदर सिंह अपनी अलग पार्टी तैयार करने वाले हैं, इसी के ऊपर दोनों जन ने बहुत देर तक डिस्कशन किया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हाँ, मैं खुद की पार्टी बना रहा हूँ और मैं शायद बीजेपी के साथ अलायंस भी बना सकता हूँ। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी किसान के 3 कानून वापस लेता है तो ज़रूर वो उनके साथ अलायंस बनाएंगे और पंजाब इलेक्शन में भाग लेंगे। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में 40% सीटों पे महिलाएं लड़ेंगी। इससे माना जा रहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं को आगे करते हुए एक बहुत ही सही चाल चली है बीजेपी को काउंटर करने के लिए। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो केंद्र सरकार है वो बड़े बड़े एजेंसियों को बाकी विपक्ष के ऊपर प्रहार करने के लिए उपयोग कर रही है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये पूरा जो निशाना है वो एनसीबी की तरफ ही साधा किया है। हाल ही में नवाब मलिक और एनसीबी में जो घमासान हुआ, ये तो हम सबने देखा ही। यूपी इलेक्शन से पहले और आने वाले कई इलेक्शन से पहले बहुत सारे कांग्रेस नेता जैसे डीके शिवा कुमार और अंबिका सोनी ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई नेता चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी फिर से ले लें। वरुण गांधी सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी के एग्जीक्यूटिव कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया है, उन्हें उसमें शामिल नहीं किया गया है। ये तब हुआ जब वरुण गांधी ने किसानों के तरफ से बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और सुब्रमण्यम स्वामी जी के तो कई ट्वीट्स हम ट्विटर पे देख ही चुके हैं कि वो सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसी और कई नीतियों के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। तो शायद इसी का नतीजा है कि दोनों को एग्जीक्यूटिव कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया। तब बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी विल बी मोर पावरफुल, पीएम मोदी और ताकतवर हो जाएंगे क्योंकि कांग्रेस अपने राजनीति में सीरियस नहीं है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रही है और उन्होंने एक विपक्ष का रोल अदा करते हुए बंगाल में अपनी स्थिति और मजबूत करते हुए बीजेपी को करारा जवाब अभी ही दिया। दिल्ली हरियाणा के कई बॉर्डर पे जो किसानों के खिलाफ बैरिकेड लगाए गए थे पुलिस द्वारा, अब वो बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं और राहुल गांधी ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा, जैसे पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए हैं वैसे केंद्र सरकार वो 3 कानून भी हटाएंगे।
नवाब मलिक और एनसीबी के इस घमासान युद्ध में हम देखते ही आ रहे हैं और इस युद्ध का एक और चरण नवाब मलिक ने अपने हाथों लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र के विंटर सेशन में वो बताएंगे कि कैसे समीर वानखेड़े बीजेपी नेताओं के कांटेक्ट में थे और उन्होंने कहा कि वो उनकी बातें भी विंटर सेशन में कहेंगे। फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड की कमी जो यूपी के ललितपुर इलाके में हो रही है, उसी के चलते प्रियंका गांधी ने उन एरियाओं के किसान से बात की, उनसे मिली और उनके प्रॉब्लमों को जाना, उनकी असुविधाओं के बारे में जाना और उन्होंने कहा कि ज़रूर हम इस पर काम करेंगे। शक्तिकांता दास को गवर्नमेंट ने वापिस आरबीआई गवर्नर का पद दे दिया है और यह पद 3 साल के लिए रिन्यू किया गया है। हाली में भारत पाक मैच के बाद यूपी के सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो भी पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहा है उसके ऊपर सेडिशन का लॉ लगाया जाएगा। प्रशांत किशोर जो एक पॉलिटिकल एनालिटिक का काम करते हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी का पावर एक दशक तक रहेगा, एक डिकेड तक रहेगा। यूपी इलेक्शन आने से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। यूपी की समाजवादी पार्टी ने, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने बीजेपी के एक्स अलायंस SBSP पार्टी के साथ अलायंस फॉर्म किया है। महाराष्ट्र के एक MP ने, जिनका नाम संजय पाटिल है, एक सार्कास्टिक कमेंट करते हुए कहा कि ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी क्योंकि मैं बीजेपी का मिनिस्टर हूँ। इसे साफ पता चलता है कि कैसे मोदी सरकार सेंट्रल एजेंसीज को कंट्रोल कर रही है।